So now we will solve some problems. Fourier series. So, yes. So period हमेशा 2 pi होगा. क्या कह रहे हैं? पीरियड को हमेशा 2 pi ही होना होगा. नहीं, अलग पीरियड के लिए भी कर सकते हैं. तो अभी तो हमने सिर्फ 2 pi पीरियड के लिए किया. अब पीरियड अगर एल है तो उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं कैसे करना है. पीरियड मतलब अगर 2L मान के चले तो फिर कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं. ठीक, हम लोग उस पीरियड को स्केल कर लेंगे और हो जाएगा, तो हम बताते हैं अभी. तो चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल 2 pi पीरियड के लिए कर लेते हैं और फिर हम लोग 2L पीरियड के लिए भी करते हैं. So now we will solve some example on Fourier series of a function having period 2 pi. So example or problem. So problem. मान लीजिए कि f(x) की वैल्यू दी हुई है. f(x) is equal to x and x is in between minus pi. 2 pi. देखो, जैसे हम ये कहते हैं कि फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन, इसका क्या मतलब होता है? अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे, x की वैल्यू जो माइनस पाई है और पाई है, इसके बीच में इस फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी अगर ये यहां तक So what is this graph? This is the graph of this function in this period. ठीक है. अब देखो दो चीजें. अगर कोई फंक्शन सिर्फ माइनस पाई से पाई के बीच में डिफाइंड है और हम कह दें कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो चीजें आ रही हैं, यानी पीरियड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 pi अगर हम कह दें, इसका मतलब यहां पे कोई पॉइंट हम लेंगे, इसमें इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इससे पहले जो 2 pi, इस पॉइंट की जो वैल्यू, इससे माइनस 2 pi करके जो वैल्यू आ रही होगी, वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. इसका मतलब ये है कि अगर आपको इसके आगे का ग्राफ खींचना है, माइनस पाई से पाई कितना हुआ, 2 pi रेडियस हुआ. सो पाई में 2 pi आप ऐड कीजिए, सो ये क्या हो जाएगा, 3 pi आ जाएगा. और यहाँ पे देखिए पाई बाद इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो यहां से पाई यानी 2 pi पे. सो अब ये जो पाई से 3 pi के बीच का रीजन है, उस पे फंक्शन का ग्राफ फिर ऐसे दिखेगा. ठीक है. सो यहां पे इसकी वैल्यू जो है, यहां से स्टार्ट करेंगे, सेम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे यहां. ठीक है. और इस तरह से इस पूरे फंक्शन को हम पूरे आर के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा. इसकी वैल्यू फिक्स है, हर जगह उतनी ही आ रही है. ठीक है. इज इट ओके? इसमें 2 pi घटाएंगे, माइनस 3 pi आ जाएगा, और यहां पे भी माइनस 2 pi, यहां पे 2 pi, और यहां पे इस फंक्शन का ग्राफ फिर से ऐसे ही दिखेगा. So now this function will become a function on whole of R. तो अगर हम फंक्शन को एक इतने हिस्से में डिफाइन कर दिए हैं और इसको बोल रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 pi है, तो आप पूरे R के ऊपर इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं. चलिए अब इसके लिए हम लोग फोरियर सीरीज डिटरमाइन करते हैं. सो हम लोग क्या जानते हैं फोरियर सीरीज के बारे में? सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन को क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं है इंटीग्रेबल फंक्शन. एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. साइन एन एक्स. ठीक है, मान लीजिए कि ये फंक्शन ऐसा, और
यही सीरीज, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है ये क्या हो जाएगी, फोरियर सीरीज हो जाएगी, अगर इसके जो कोफिशियंट है वो इस तरह से दिए जाए, ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल -π टू पाई एफ एक्स डीएक्स, तो हमको इन कोफिशियंट को निकालना है, एन इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स एंड बी एन इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. सो दीज आर द कोफिशिएंट्स एंड वी हैव टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू. तो चलिए इस फंक्शन के लिए इन वैल्यूज को निकालते हैं. सो नाउ a नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल -π to π 1/2π -π to π एक्स डी एक्स. सो दिस इज 1/π. आप लोग भी अपनी कॉपी पेंसिल लीजिए और कॉपी पेन लीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए. सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू, और अगर हम कहीं मिस्टेक करें तो बताइए जल्दी से. -π to π एंड दिस इज 1/2π पाई स्क्वायर बाई टू माइनस -π स्क्वायर बाई टू. सो इट विल कैंसिल आउट एंड विल गिव यू 0. सो ए नॉट 0 होगा. अगर हम एफ एक्स को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो कोफिशियंट ए नॉट क्या होगा, 0 होगा. अब हम लोग निकालते हैं, ए एन निकालते हैं. तो ए एन में पहले ए वन निकालते हैं. चलिए, सो 1/π. अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया है तो कम से कम आप ए नॉट ए वन ए टू एंड बी वन बी टू इतना निकाल के छोड़ देंगे. और अगर प्रॉब्लम में दिया है कि आप इतने कोफिशियंट निकालिए, तब तो आप सारे कोफिशियंट जितने दिए हैं उतने निकालेंगे, अदरवाइज बस इतना निकाल के आप लोग छोड़ देंगे. सो व्हाट इज ए वन? ए वन इज -π to π. एफ एक्स इज एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो सॉल्व कीजिए इसको, 1/π. इसको इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं. सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, लिमिट इज -π to π माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स डीएक्स and the limit is -π to π. Am I correct? 1/π. Sin pi is 0, sin -π is also 0. So the first part will become 0 and the second part mein kya bachega? Minus. Sin x ka integral kya ho gaya? Cos x minus cos x ho gaya. And it is varying from -π 2 pi. Is it okay? So this is 1/π. This is equal to 1/π bracket, and this is minus. You can take minus outside, so it will become plus. So this will become cos π minus cos minus pi. ठीक है. सो व्हाट इज a1? सो दिस इज आल्सो 0 एज यू कैन सी. सो इट इज आल्सो 0. डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? आर वी कनेक्टेड? यस. यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग? यस सर. यस. अब ठीक है, अगर ये ठीक है तो हमको जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू? 1/π इंटीग्रल -π to π एक्स कॉस 2x डीएक्स. ठीक है, इस इंटीग्रल को निकाल के बताइए कितना आएगा. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स.
एंड दोस हैव डन इट प्लीज आल्सो सॉल्व बी वन इज इक्वल टू वन ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स डीएक्स एंड बी टू इज इक्वल टू वन ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एक्स साइन टू एक्स डी एक्स सो प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल वेरी क्विकली सो दैट वी कैन प्रोसीड ए टू जीरो आ रहा है यस सर मेरा भी जीरो आ रहा है कौन सा जीरो आ रहा है ए टू जीरो आ रहा है ठीक है चलिए ए टू इज जीरो B1 भी जीरो आ रहा है सर B1 भी जीरो आ रहा है टू आ रहा है B1 इज जीरो और टू और लोग निकालिए दो आंसर मिल रहे हैं हमको जीरो और टू कौन सा सही है जल्दी से और लोग निकालिए कैलकुलेटर जीरो से जीरो उमा का जीरो आ रहा है और किसका जीरो आ रहा है मेरा सर रवि और उमा का जीरो आ रहा है B1 सर मेरा भी जीरो आ रहा है सचिन यस सर जीरो आ रहा है B1 यस सर सो B1 जीरो आ रहा है ओके एक बार देखा जाए कैलकुलेट करके भी आप लोग चेक करते रहिएगा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं एक बार फिर से सो एक्स साइन एक्स है सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स टू आएगा सर यस लेट अस चेक इट माइनस पाई टू पाई और किसी का भी टू आ रहा है किसका किसका टू आ रहा है बताइए तो यस सर टू किसका है टू ही आएगा यस सर टू आ रहा है इतिका सलमान सोनम तीन लोग का टू आ रहा है अभिरुचि व्हाट आर यू गेटिंग सर टू आ रहा है अंजलि टू ही आएगा टू आएगा रवि का भी टू आ गया उमा से बना रहे हैं हां अपना कैलकुलेशन चेक करिए ओके जिनका B1 हो गया है वो B2 निकालें माइनस इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई माइनस कॉस एक्स सो इट विल बिकम प्लस कॉस एक्स डी एक्स So this part will reduce to sine pi and sine minus pi. Okay. 1/π bracket. So this is minus pi cos pi minus minus plus. Then again minus pi. So it will become again minus pi and cos minus pi is same as cos pi. Okay. So this is plus sin x from minus pi to pi. So ye part to zero ho gaya. चलिए अब बताइए माइनस कॉस पाई माइनस टू कॉस पाई कितना होता है माइनस वन सो इट इज टू ठीक
अब बी टू कितना आया जल्दी से बताइए, बी टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी टू, बी टू कितना आ रहा है माइनस वन, बी टू इज माइनस वन. ओके सारे लोग कह रहे हैं बी टू माइनस वन, ओके गुड. सो नाउ वी डिटरमाइन एट लीस्ट a not a1 a2 and b1 b2, these many coefficients we have determined, so we can write the Fourier series. So Fourier series for fx is equal to x is, और ये किस इंटरवल पे हमने लिया था, x को हमने लिया था माइनस पाई एक्स से पाई के बीच में, ठीक है, इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, देखिए जीरो आया, ए नॉट जीरो रखेंगे, ए जीरो है, बी बचा है, बी वन रखेंगे हम लोग, टू साइन एक्स माइनस ए टू भी जीरो है, बी टू हमारे पास बी वन रख दिया हमने, बी टू आएगा माइनस वन साइन टू एक्स, और इसके आगे और बहुत सारे टर्म आते हैं, ठीक है. तो एफ एक्स की सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी, कॉस वाला टर्म दो, फर्स्ट टर्म जीरो है, एंड आई होप कि आगे भी टर्म कॉस के जीरो होंगे, वरना जो भी है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट कुछ टर्म निकाल के कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड सो ऑन. So this is the Fourier series of f(x). The f(x) Fourier series को देखेंगे. तो आप जितना accurate निकालना है, उतना आप calculation करके उतना accurate Fourier series निकाल सकते हैं. ठीक. तो एक और question करते हैं हम लोग. अब हम लोग fx is equal to 1 if x is in between minus pi by 2 to pi by 2 and minus 1 x is in between pi by 2 to pi by 2. ठीक है, और इसको क्या मान के चले, पीरियोडिक फंक्शन माने, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन जैसा दिखेगा ऐसे वगैरह प्लॉट कीजिएगा. सो माइनस पाई बाई टू अगर यहाँ आ रहा है तो लेकर पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, सो वन आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू. उसके बाद पाई बाई टू से लेकर थ्री पाई बाई टू इसकी आएगी माइनस वन, तो माइनस वन विल बी समवेयर बिलो, सो दिस माइनस वन, ठीक है. तो यहां से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कितना है, पाई डिस्टेंस है, और फिर पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू पे कितनी पाई डिस्टेंस है, तो एक बार माइनस वन आएगी और एक बार प्लस वन आएगी. अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करना चाहेंगे तो थ्री पाई बाई टू से प्लस, यानी थ्री पाई बाई टू प्लस पाई, यानी फाइव पाई बाई टू तक इसकी वैल्यू क्या जाएगी. अब इसके बाद पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए प्लस वन आएगी और उसके बाद फिर आगे माइनस वन जाएगी पाई लेंथ तक, ठीक है, यानी ये यहां तक, यानी सेवन पाई बाई टू तक, सेवन पाई बाई टू तक माइनस वन जाएगी एंड सो ऑन. दिस फंक्शन विल गो ऑन रिपीटिंग एंड ऑन द सेम वे इन द नेगेटिव साइड. सो दिस इज द फंक्शन एंड वी वांट टू डिटरमाइन द फोरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन. अब देखो क्या करना है, हमको कोफिशिएंट निकालना है. सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू a naught plus summation
ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स एन इज वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटिव एंड नाउ वी विल डिटरमाइन ए नॉट सो वेयर ए नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई वन ओवर पाई एफ एक्स ठीक है हमको वैल्यू क्या लेनी है एफ एक्स की वैल्यू लेनी है कहां पे लेनी है माइनस पाई से पाई के बीच में लेनी है तो चलिए माइनस पाई से पाई के बीच में एफ एक्स की वैल्यू लेते हैं तो माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी आई माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू आ रही है प्लस वन अब ये वैल्यू इसके बाद अगर हम इसमें से पाई सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस पाई बाई टू से और पीछे जाएंगे पाई पीछे जाएंगे तो कितना हुआ माइनस थ्री पाई बाई टू सो माइनस थ्री पाई बाई टू तक वैल्यू कितनी आएगी अब यहां तक वैल्यू आएगी माइनस वन आएगी ठीक तो ये जो है आपका पाई माइनस पाई कहाँ होगा यहीं पे होगा माइनस पाई सो माइनस पाई से लेकर जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमको पाई तक देखनी है और पाई कहाँ आएगा पाई यहाँ आएगा ठीक तो अगर हम इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे माइनस पाई से पाई में सो हम अगर एफ एक्स को रीराइट करें इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन कैसा दिखेगा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल लुक लाइक यहां से देखो माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई टू तक वैल्यू क्या है माइनस वन सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज माइनस वन फॉर एक्स इन माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई टू तक ये सारे इंटरवल आप ओपन भी ले सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन को आप माइनस पाई बाई टू पे क्या डिफाइन करेंगे ठीक है और रिमान इंटीग्रल में एक पॉइंट अगर आप छोड़ देंगे तो उससे कोई रिमान इंटीग्रल पे फर्क नहीं पड़ता तो हमने एफ एक्स माइनस वन ले लिया इस माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के रेंज में अब माइनस पाई बाई टू से एक्स की वैल्यू जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी और इसके बाद माइनस पाई बाई टू से पाई तक ये सॉरी पाई बाई टू से पाई तक पाई बाई टू से पाई तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन सो इन दिस वे दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस माइनस पाई टू पाई इस इंटरवल के बीच में इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है इज इट क्लियर इज दिस पॉइंट इज क्लियर यस सर ठीक ना तो इस इंटरवल के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली क्या आ रही है इसको पीरियोडिक फंक्शन मानते हुए अब हम ए नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं सो एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स और अब इस इंटीग्रल को निकालने के लिए हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा सो दिस इज वन बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू और इस रेंज में वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन हो गई माइनस वन डी एक्स प्लस वन बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू फंक्शन की वैल्यू कितनी है वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल पाई बाई टू से पाई फंक्शन की वैल्यू माइनस वन डी एक्स ठीक है ये सो दिस इज वन बाय पाई छूट गया हाँ वन बाय पाई छूट गया ओके वन बाय पाई और माइनस को हम बाहर कर सकते हैं माइनस वन बाय पाई और एक्स हो गया यहाँ पे टू पाई होगा हाँ हाँ यस यस यू आर राइट सो ए नॉट की वैल्यू में वन बाय टू पाई आएगा सो हर जगह हमको टू पाई करना पड़ेगा यू आर राइट So let me write 2 pi, 2 pi, and its integral is x,
वेरिंग फ्रॉम माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस वन बाई टू पाई एंड दिस इज एक्स पाई. ठीक है, दिस इज माइनस वन बाई टू पाई माइनस पाई बाई टू प्लस ठीक है प्लस वन बाई टू पाई एंड पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू एंड देन माइनस वन ओवर टू पाई पाई माइनस पाई बाई टू. सो दिस इज पाई बाई टू माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई टू माइनस ये हो गया आपका पाई बाई टू माइनस वन बाई फोर. कितना हो गया, सबका आ रहा है, इतना जीरो आ रहा है? यस सर. ठीक, तो हमारा ए नॉट निकल गया जीरो. अब चलिए ए वन निकालते हैं. सो ए वन इज इक्वल टू वन ओवर पाई. Now a1 is equal to 1 over pi integral minus pi से pi fx cos x dx. So this is 1 over pi. फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, तीन हिस्से में ब्रेक करेंगे जैसे पहले किए थे. सो ऐसा क्या किया था, माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई टू तक गए थे हम लोग. उस रेंज में fx की वैल्यू कितनी थी, let us see. माइनस पाई से पाई बाई टू के रेंज में एफएक्स की वैल्यू थी माइनस वन. सो माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस वन ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स बिकॉज हियर द वैल्यू इज प्लस प्लस वन ओवर पाई इंटीग्रल पाई बाई टू टू पाई माइनस वन कॉस एक्स डी एक्स. तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, ए वन कितना आएगा. सो नाउ कैलकुलेट द ए वन एंड टेल मी द आंसर, व्हाट इज ए वन. What is A1? Yes, किसी का हुआ सॉल्व, जल्दी से करिए. 4 by pi आ रहा है. ओके, सलमान का 4 by pi आ रहा है, और किसी ने किया सॉल्व? सर 4 by pi आ रहा है. सो इट्स 4 by pi. समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको? बीवन निकालिए, बीवन जल्दी से कैलकुलेट करिए.
वन ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स दैट इज द वैल्यू ऑफ पी वन एंड यू कैन अगेन ब्रेक इट इनटू सेवरल पार्ट्स वन ओवर पाई माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस साइन एक्स ऊपर साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस वन ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स प्लस वन ओवर पाई इंटीग्रल पाई बाई टू टू पाई माइनस cos x dx. Sorry, x dx. Please calculate it first and tell me the value. B1 is 0. सारे लोग कैलकुलेट करिएगा. सिमिलरली सर 0 होगा. हाँ ठीक गुड. इसके बाद आप लोग A2 निकालिएगा. A2 आप लोग चेक करिएगा A2 क्या आता है और फिर B2 भी कैलकुलेट करिएगा. कम से कम A2 और B2 इतना कैलकुलेट करें. अगर इतना कैलकुलेट करने पे बहुत सारे टर्म जीरो आ जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक ही टर्म बच रहा है सीरीज में या तो आप और भी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं यानी A3 और B3 निकाल सकते हैं सो दैट कुछ आपको पता चले कि क्या सीरीज कैसे दिख रही है. ठीक है जितने ज्यादा आप टर्म निकालेंगे उतना एक्यूरेट अगर आप वैल्यू पुट करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में तो उतनी एक्यूरेट आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगी क्योंकि वो पूरी सीरीज है ना उसका पूरा सम फंक्शन के बराबर आएगा. तो आप अगर कुछ शुरू के 10 टर्म को सम करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू से थोड़ा सा कम ज्यादा मतलब डेविएट करेगा वो. ठीक ओके सो इसको कैलकुलेट करिएगा आप लोग. चलिए अब हम देखते हैं इसी तरह से और जो क्वेश्चन मैंने भेजे हैं वो आप करिएगा. अब अगर हमारे पास पीरियड 2 पाई नहीं दिया है और पीरियड 2L दिया है तब फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन कैसे होगा. हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिखते हैं सो लेट मी राइट इट एज अ रिमार्क. आप चाहें तो इसको डिराइव कर सकते हैं. यहां पे जस्ट इंटरवल की स्केलिंग की गई है ऑब्वियसली. इफ अ फंक्शन एफ एक्स of period P is equal to 2L has a Fourier series we claim that this series is और डायरेक्टली लिखते हैं देन दिस सीरीज इज. सो अगर फोरियर सीरीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या होगी फोरियर सीरीज देन द सीरीज इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज वेरिंग फ्रॉम वन टू इनफिनिटी An cos n pi by l x cos nx की जगह पे क्या आ गया n pi pi by l extra आ गया. ठीक है plus bn sin n pi by l x where A naught is equal to A naught is equal to 1 over 2L
इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन नॉट. एन इज इक्वल टू वन ओवर एल माइनस एल टू एल, वहां पाई था, यहां पे एल आ गया, एफ एक्स कॉस एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स. एंड बी एन इज इक्वल टू वन बाई एल इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन एन पाई बाई एल एक्स डी एक्स. सो इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन फोरियर सीरीज फॉर ए फंक्शन ऑफ पीरियड 2L. 2L पीरियड का कोई फंक्शन है तो उसकी फोरियर सीरीज आप निकाल सकते हैं. सो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, आपको दोनों प्रॉब्लम्स को करिएगा. प्रॉब्लम्स ठीक है, तो आपको फोरियर सीरीज निकालनी है, फंक्शन हम प्रॉब्लम लिखते जा रहे हैं. आपको कोशिश करिए कि a नॉट a1 a2 एंड b1 b2 कम से कम इतने कोफिशिएंट्स आप निकाल लें. सो fx इज इक्वल टू माइनस वन व्हेन x इज इन बिटवीन माइनस वन टू जीरो एंड जीरो टू वन के रेंज में इसकी वैल्यू वन. यानी माइनस वन से लेके वन तक हमने लिया, यानी इसका पीरियड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. पीरियड कितना आया, टू आया. दिस इज टू पीरियड का फंक्शन है, उसको मान के चल रहे हैं. माइनस वन से वन के बीच में डिस्टेंस जो है टू है, तो टू पीरियड का फंक्शन माने. सो यू मे एक्सटेंड दिस फंक्शन ऑन द होल आर. So this is a periodic function. Second problem, fx is equal to 0 for x in between minus 2 to 0 and it is 2 for x in between 0 to 2. ठीक है, फिर से इसका पीरियड देखिए. पीरियड कितना है, इसका पीरियड है फोर. पीरियड आप अपने से निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा. एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स एक्स इज वेरिंग फ्रॉम माइनस वन टू वन एंड ऑफकोर्स इसका पीरियड हम लोग लेके चल रहे हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स इज अगेन फ्रॉम माइनस वन टू वन, सो पीरियड हियर इज आल्सो टू, पीरियड इज टू. फाइव, ये सारे क्वेश्चन क्रेजिक की किताब से लिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं इसको. fx is equal to 0 for x is in between minus 1 to 0 and this is equal to x for x in between 0 to 1. ठीक है, पीरियड यहां पे भी 2 आ रहा है. क्वेश्चन और सिक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई साइन पाई एक्स एंड एक्स इज इन बिटवीन जीरो टू वन एंड पीरियड यहां पे कितना है, पीरियड वन.
ठीक है. सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स. वी विल मीट अगेन टुमारो.